गई 300 लोगों को और ले डूबी अक्षरा सिंह। जी हाँ, अक्षरा सिंह बिहार में है और आपको बता दें बिहार के वैशाली के लालगंज इलाके में मुन्ना शुक्ला के यहाँ शादी थी उनके भतीजे की और वहाँ अक्षरा सिंह ने जमकर ठुमके लगाए। वैसे इनका ये वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है मीडिया में और अक्षरा सिंह की कुछ फ़ैन फॉलोइंग है कि सफाई देने में जुटी है कि वहाँ जहाँ अक्षरा गई थी वहाँ नियमों की पूरी तरह से पालन किया गया है, वहाँ सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं। अब आपको बता दें कि बिहार में जहां खुद कोरोना के केसेस दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन सरकार ने लगा दिया है, वहां की स्थिति ये है कि शादी ब्याह तक में रोक लगाई गई है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इतने बड़े प्रोग्राम में 300 लोग इकट्ठा होते हैं जिनमें 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, साथ ही 300 और लोग जो इस प्रोग्राम में इस शादी में शामिल हुए थे उन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। जहां बिहार में आप शादी ब्याह में सिर्फ 50 लोगों को ले जा सकते हैं, सरकार ने ऐसे अल्टीमेटम दे दिए हैं। बिहार के बाद उससे ही सटे उत्तर प्रदेश में तो लॉकडाउन लगाने की नौबत आ चुकी है, इसकी दूसरी लहर चल पड़ी है। इसमें अक्षरा सिंह ने शादी ब्याह में जाकर वहां डांस करके और तो और इस वीडियो में खुद विधायक मुन्ना शुक्ला के साथ अक्षरा सिंह जमकर डांस कर रही हैं और उनके साथ उनकी पत्नी भी डांस कर रही हैं। अब अक्षरा सिंह यहाँ एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस भी देती हैं, लोगों को डांस करने के लिए अपने गाने भी गाती हैं। और फिर अब ये हो रहा है कि अक्षरा सिंह पर जब उंगलियाँ उठ रही हैं तब उन्हीं की फ़ैन फॉलोइंग है कि उन्हें निर्दोष साबित करने में जुट गई है कि जहां अक्षरा सिंह गई थी वहां पर तो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सवाल तो प्रशासन पे भी उठ रहे हैं कि जहां 50 लोगों तक ले जाने की बारात में इजाज़त है और किसी भी धार्मिक कार्य में 50 लोगों की ही अनुमति है, वहां शादी ब्याह में 300 लोग कहां से आ गए, किसकी परमिशन ली गई। इसके बाद की बात तो जानने के बाद आपको खुद ताज्जुब होगा कि प्रशासन को तो इसकी भनक तक नहीं थी। जब मीडिया में ये वीडियो वायरल होता है तब प्रशासन को पता चलता है कि यहाँ उनके करीब में ही इतनी बड़ी पार्टी चल रही है और वहाँ तकरीबन 300 लोग आए हुए हैं, यहाँ किसी विधायक के भतीजे की शादी है और यहाँ भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी आई हुई हैं। अब कोरोना काल में इस तरह की हरकत करने के बाद अक्षरा सिंह की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं सोशल मीडिया पे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।